सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐलान किया है। एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, ओडिशा से जहां नवीन पटनायक ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐलान किया है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के लिए 33% का आरक्षण का ऐलान नवीन पटनायक सीएम द्वारा किया जाना एक बड़ी खबर है। 33% आरक्षण का ऐलान नवीन पटनायक ने ओडिशा में किया है। मुख्यमंत्री ओडिशा के नवीन पटनायक ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक बड़ा ऐलान ओडिशा की सरकार का। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐलान किया है। और इसी के साथ आपको ये जानकारी दे दें कि ओडिशा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है। वासेंद्र मिश्र हमारे एडिटर इन चीफ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासेंद्र जी, एक बहुत बड़ी खबर है ओडिशा से। यहाँ चुनाव के तारीखों के ऐलान से ठीक पहले 33% महिलाओं के लिए आरक्षण का ऐलान नवीन पटनायक ने कर दिया है। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को आप, इस ऐलान को? देखिए, हम कह सकते हैं कि नवीन पटनायक ने शुरुआत की है महिलाओं को आरक्षण देने का जी। ये बहुत लंबे समय से ये मामला विचाराधीन था अलग अलग लेवल पर, और सभी राजनीतिक दल चुनावी वायदा तो करते थे लेकिन जब सरकार में आ जाते थे तो उस चुनावी वायदे के तहत महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने से कन्नी काट जाते थे। तो इसलिए नवीन पटनायक ने ठीक चुनाव घोषणा के पहले इस तरह का ऐलान करके एक बार फिर अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने की कोशिश की है, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। और न केवल नवीन पटनायक बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अभी 2 दिन पहले अपने राज्य में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का ऐलान कर दिया है। तो पहले ओबीसी को जो भी आरक्षण की व्यवस्था थी उसमें तुरंत इजाफा किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने भी और वहां के मुख्यमंत्री ने। तो चुनाव का सीजन है, चुनाव की अब आज ही घोषणा होने वाली है शाम को 5 बजे जी। उसके ठीक पहले चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या नवीन पटनायक हो, सब लोग अपना अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपना अपने को कंसोलिडेट करने के लिए अपने वोट बैंक को इस तरह के लोक लुभावने घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन नवीन पटनायक की तारीफ की जानी चाहिए कि नवीन पटनायक एक लंबे समय से उड़ीसा जैसे राज्य में एकाधिकार बनाए हुए हैं और लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, और इस बार भी माना जा रहा है कि नवीन पटनायक बाकी दलों के मुकाबले उनकी स्थिति बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में जब जे पांडा नवीन पटनायक को छोड़ के चले गए हैं और माना जा रहा था कि बीजेपी ने नवीन पटनायक के राजनीतिक ताकत घटाने की कोशिश की है जे पांडा को अपने दल में शामिल करके, उस स्थिति में नवीन पटनायक की तरफ से महिलाओं को 33% रिजर्वेशन का ऐलान करके एक ट्रंप कार्ड का इस्तेमाल जरूर किया है नवीन पटनायक ने। और उसी तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में जो कि ओबीसी डोमिनेट करते हैं जी, वहां पर ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाकर 27% करना कांग्रेस का भी एक ट्रंप कार्ड हो सकता है, कमलनाथ का भी एक ट्रंप कार्ड हो सकता है। 117 सीटें जीती थी नवीन पटनायक ने 2014 में वासेंद्र जी, और आधी आबादी को लेकर किया गया ये फैसला, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि बीते नवंबर की बात है जब संसद में भी इस प्रस्ताव को लाए जाने की बात जो है नवीन पटनायक द्वारा कही गई थी, और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ ओडिशा वो धरती बने जहाँ से ये मैसेज जाए। तो आपको लगता है कि आंकड़े में बढ़ोतरी हो सकती है सीटों के लिहाज से, मैं बात कर रहा हूँ आधी आबादी के परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव में? देखिए, अभी की स्थिति में भी नवीन पटनायक बीजेपी और कांग्रेस जो वहाँ की दो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उनसे बेहतर स्थिति में है जी। और नवीन पटनायक की पॉपुलैरिटी, नवीन पटनायक का जो कद है वो इन दो दलों से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन का ऐलान करके पंचायती राज में और राज्य सरकार की नौकरियों में नवीन पटनायक ने एक मजबूत, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक चाल चली है। नवीन पटनायक को राजनीति विरासत में मिली थी और उनके पिता बीजू पटनायक भी देश के
कुछ गिने चुने कद्दावर नेताओं में हुआ करते थे, और इंदिरा गांधी को अगर किसी ने चुनौती दिया था तो बीजू पटनायक ने दिया था उड़ीसा में। तब से लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, और इस बार कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी कि अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस लाए और किसी भी तरह से उड़ीसा में अपनी अपना जनाधार बढ़ाए। इसीलिए राहुल गांधी से लेके कांग्रेस के तमाम नेता लगातार उड़ीसा का दौरा करते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी पिछले 4 वर्षों से उड़ीसा को लगातार फोकस बनाकर काम करती रही है। उड़ीसा की कमान भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल धर्मेंद्र प्रधान को दे रखा था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के कामकाज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को लगा कि शायद धर्मेंद्र प्रधान नवीन पटनायक को कड़ी चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए नवीन पटनायक के सबसे करीबी माने जाने वाले जे पांडा को उनसे तोड़कर अपने दल में शामिल कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जी। और अब समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जे पांडा को आगे करके उड़ीसा में अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेगी। ऐसी स्थिति में महिलाओं को आरक्षण देने का ऐलान करके नवीन पटनायक ने निश्चित रूप से एक मजबूत हथियार चला है राजनीतिक तौर पर, और इसका उनको जरूर फायदा मिलेगा इस लोकसभा चुनाव में। जी, क्योंकि वासिंदर जी सीधा सरोकार महिलाओं से है इस मुद्दे का भी। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का आपने जिक्र किया, ये वही शख्सियत हैं जब उज्ज्वला योजना का जिक्र होता है तो सबसे पहले फ्रंट पर उनकी तस्वीर मोदी जी के बाद नजर आती है। आपको लगता है महिलाओं के मोर्चे पर एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है और उठा दिया है, और ये कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना की काट भी आपको नजर आती है चुनाव के परिप्रेक्ष्य से? निश्चित रूप से उज्ज्वला योजना का उस तरह का ग्राउंड कनेक्ट नहीं है जितना ग्राउंड कनेक्ट ये महिला आरक्षण का होगा। और उड़ीसा और इस तरह के जो राज्य हैं, जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, जो ट्राइबल डोमिनेट करते हैं, जहां महिलाओं की बहुत ज्यादा भागीदारी होती है डिसीजन मेकिंग में, उसमें अगर महिलाओं को खुश करके नवीन पटनायक ने ये काम आगे बढ़ाया है तो निश्चित रूप से नवीन पटनायक और उनकी पार्टी को चुनाव में फायदा मिलेगा, और उनके तुलना में बाकी दलों को वहां परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको लगता है वासंती जी दूसरे राज्यों की विधानसभाओं में भी और अब संसद में भी इस तरह का प्रस्ताव आए, इसको लेकर एक अब हम कहें कि एक तरह से प्रेशर रहेगा या फिर एक इन्फ्लुएंस रहेगा पॉलिटिकल भी? देखिए, 33% रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा में करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से आंदोलन करती रही है, और सोनिया गांधी के नेतृत्व में लगातार इस बात को लेके कई बार संसद के अंदर और बाहर धरना प्रदर्शन भी किया जाता रहा है। लेकिन यूपीए और एनडीए में शामिल तमाम ओबीसी पार्टियां इस बिल और इस प्रस्ताव का विरोध करती रही हैं, और उनका मांग रही है कि 33% रिजर्वेशन देने का मतलब कि राजनीति में विधानसभा में और लोकसभा में ओबीसी के साथ नाइंसाफी करना है। वे चाहते हैं कि 33% रिजर्वेशन में ओबीसी और मुस्लिम और दलित महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था किया जाए और तभी इस प्रस्ताव को पारित किया जाए। तो यही कारण है कि चाहे लालू यादव रहे हो, मुलायम सिंह रहे हो, या इस तरह के जो लोग पिछड़ों की राजनीति करते हैं, वे महिलाओं के आरक्षण के विरोधी रहे हैं और वे आरक्षण विधि आरक्षण की मांग करके इस प्रस्ताव को टालते रहे हैं। लेकिन नवीन पटनायक ने सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का ऐलान करके एक निश्चित रूप से ट्रम्प कार्ड चला है, और इसका लाभ उड़ीसा के चुनाव में उनको जरूर मिलेगा। चलिए, बेहद शुक्रिया वासंत्र जी आपका इस तमाम विश्लेषण के लिए। और एक बहुत बड़ी और अहम खबर उड़ीसा से है, जहां पर नवीन पटनायक जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐलान किया है, और इसको एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला भी माना जा रहा है। हालांकि इस बात के संकेत वो पहले ही देते रहे हैं।